वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर, मैं आपका काफ़ी आभारी हूँ बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने मुझे बहुत प्यार दिया और आपके आज सब्सक्राइबर जो हो गए हैं यूट्यूब पे 1,00,000 क्रॉस कर चुका है। तो मेरे प्यारा दोस्त, आपको सबसे पहले नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप इसी तरह मुझे हौसला बढ़ाइए ताकि मैं पूरे भारत में मैं आपको लाभ दे सकूँ और मुझसे आप लाभ लें। और हमेशा उन बच्चों की मदद करिए और मुझे मदद करने के लिए आगे बढ़ाइए ताकि मैं पूरे भारत की हेल्प कर सकूं। और हाँ, एक बार पूरे एक वर्ल्ड वाइड नहीं तो कह सकते नेशन वाइड, तो नेशन वाइड इस चीज़ को फैलाइए कि ताकि धर्मेंद्र सर आपके हर दिलों में बसें और आप मेरे दिल में रहते हो। और इस तरह से सब्सक्राइबर 1,00,000 नहीं 1,00,00,000 चाहिए आपसे, तब ये भारत जगेगा और तब भारत महान बनेगा। और हर एक बच्चा ये कहे कि मुझे अंग्रेजी आता है और मैं अंग्रेजी सीख गया हूँ और अंग्रेजी मुझे समस्या नहीं है। आज इसी के भाव को रखते हुए आपके आपने मुझे जो सम्मान दिया है उस सम्मान के तहत आपको मैं अंग्रेजी का वो चीज़, वो गुड़, वो बेसिक बताता हूँ कि एकदम बिल्कुल जड़ क्या है, ताकि आप अगर बड़े देख रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं तो आपको नमस्कार, मेरे सहपाठी हैं, मित्र हैं तो आपको नमस्कार मित्र, अगर आप मुझसे छोटे हैं शुभ आप आशीर्वाद, आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूं और काफ़ी एहसानमंद हूं मैं आपके लिए और आपने मुझे इतना प्यार दिया। इसके लिए क्या है कि आप यहां पे देखिए, एक बहुत ही बेसिक पॉइंट, अगर छोटा बच्चा आपसे पूछता है कि अल्फ़ाबेट और लेटर, ये दो चीज़ क्या है, अब बहुत ही बेसिक पॉइंट, मुझे पता आपको आता है बट देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने पूछा ए, हमने पूछा ए हो बी हो, हमने पूछा कि बताओ ए एक लेटर है या अल्फाबेट है, अपने मन में सोचना ए एक लेटर है या अल्फाबेट है, बहुत ही बेसिक है ना, चलो आज बेसिक सीखते हैं। तो ए एक लेटर है या अल्फाबेट है, बी एक लेटर है अल्फाबेट है, बदलना मत, कॉपी कलम निकाल लो और लिख लो, क्योंकि मैं कहूँगा ये है क्योंकि मैं भी सोच रहा था, मैं कहूँगा अल्फ़ाबेट है क्योंकि मैं भी सर सोच रहा था, मैं कहूँगा लेटर है क्योंकि मैं भी सर सोच रहा था। तो ऐसे नहीं सोचना है, डिसाइड करना है। तो बताओ बेटा ए लेटर है अल्फ़ाबेट है, बी लेटर है अल्फ़ाबेट है, क्या है? अब इसके लिए मैं कुछ बात करता हूँ, लेटर अल्फ़ाबेट है क्या चीज़। सबसे पहले बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करते हैं, लेटर वर्ड सेंटेंस, ये वर्ड देखो आप, तो लेटर, अब मैं यहां पे कुछ चीज लिख रहा हूं, यहां पे लिखा हमने अल्फाबेट, हमने लिखा ए बी सी डी, ठीक है बच्चे। अब ए ई आई ओ यू, राइट, अब ध्यान देना, हमने यहां से लिख दिया था ए और लिख दिया था बी, राइट, दो पार्ट। अब देखो कि अल्फाबेट, समझो जड़ पे, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, अल्फाबेट अल्फाबेट्स, इन दोनों में क्या अंतर है? अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट्स क्या है? तो अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, और अल्फाबेट्स मत कहना, वर्णमालाएं नहीं होता, अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज। जड़ पे काम कर रहा हूं आज आपके लिए, आपकी खुशी के लिए मैं आज काम कर रहा हूं, अल्फाबेट वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं हैं, अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स लैंग्वेज। तो अल्फाबेट्स नहीं पढ़ रहे, अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, क्लियर? एस लगाने के बाद मीनिंग बदल जाता है, जैसे अव्यूज, अव्यूजेस, अव्यूज का मतलब गाली, अव्यूजेस सामाजिक कुरीतियां, देयर आर मेनी अव्यूजेस इन अवर सोसाइटी, सामाजिक कुरीतियां हैं। अब यहां ध्यान दो, तो ए और बी लिया, तो ए और बी पूरे ग्रुप का नाम है अल्फाबेट, कहां से कहां तक, ए से लेकर जेड तक का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये पूरे अक्षरों का समूह है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं बेटा, ना कि हम अल्फाबेट इसको कहते हैं कि अल्फाबेट है, दिस इज द लेटर। तो लेटर क्या है, तो लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट, लेटर अल्फाबेट का पार्ट है, विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड, यानी लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड, यानी अल्फाबेट का एक भाग है,
जैसे चावल की बोरी में एक दाना चावल है, उसी तरह से पूरे ग्रुप में एक दाना ए है, एक दाना बी है, उस दाना को हम लेटर बोलते हैं। यानी लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फावेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड, इस शब्द बनाने में हेल्प करता है, उसे हम लेटर बोलते हैं। ये बात समझ में आया? तो आज के बाद कोई पूछे कि सी क्या है, क्या बोलोगे? लेटर है। डी क्या है, क्या बोलोगे? लेटर है। एफ क्या है? लेटर है। तो लेटर का मतलब होता है पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़िए। अब यहाँ हमने कहा कि लेटर और वर्ड, यहाँ ध्यान दीजिए, लेटर और वर्ड। अब लेटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब वर्ड क्या बेटा वो समझो। तो वर्ड बोलते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, अब ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जैसे हम लिख दिया गुड, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन हमने कह दिया डबल ओ डी जी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, क्या वर्ड है? नहीं ना। तो बेटा ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, हम लोग कहें कि आ वेल अरेंज्ड, एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह जिस जो मीनिंगफुल हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे गुड एक वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। क्लियर? अब आगे समझना। हमने लिखा समझने के लिए फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब मुझे बताओ कि ये एक शब्द है या तीन शब्द है? माइंड में रखो, तुम्हें अंग्रेजी क्या वो सिखा रहा हूं बेटा, जड़। धर्मेंद्र सर सिखाएंगे, अगर बीड़ा उठाएं तो जड़ पे काम कर रहे हैं। फादर इन लॉ, अब मुझे बताओ, बहुत बेसिक, 1 लाख की उपलब्धि में तुम्हारे लिए, फादर इन लॉ। अब मुझे बताओ कि फादर इन लॉ एक शब्द है या तीन शब्द है? जल्दी बोलो, बोलो, एक शब्द नहीं बेटा ये फादर इन लॉ। देखो फादर एक, इन ए लॉ, लेकिन तीनों मिला करके एक वर्ड का निर्माण किया, इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। वर्ड तो तीन है लेकिन वर्ड बना कितना? एक शब्द, क्योंकि तीनों का मतलब होता है ससुर। ये नहीं कि फादर मतलब ससुर, ऐसा नहीं, ये तीनों मिला के बना एक शब्द जिसका नाम हो फादर इन लॉ। यानी हमने क्या कहा था? विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। हमने बोला यहां पे वेल ऑफ, यानी बन गया फ्रेज, है तो दो वर्ड लेकिन मिल करके एक बना खुशहाल। हमने कहा वेल टू डू, वेल टू डू इसका मतलब ही हैप्पी। तो ये वर्ड तो तीन है लेकिन दोनों मिला के कितना वर्ड बना? एक ही वर्ड बना। तो ये ग्रुप है, इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, उसे हम वर्ड कहेंगे। तो वर्ड का मतलब होगा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो यह भी एक ही शब्द होगा, ये दो वर्ड तीन वर्ड नहीं, अलग 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 वर्ड है। फादर अलग है, इन अलग है, लॉ अलग, लेकिन तीनों को अगर मिला दिया तो एक नया शब्द बन गया जिसको हम ससुर कहते हैं, फादर नहीं कहते। फादर होगा तो अलग वर्ड हो जाएगा, लेकिन फादर इन लॉ एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। आगे बात करें वर्ड्स बड़ा सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होगा बच्चा? तो इसको भी कह सकते हो कि आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ शब्दों का समूह जो मीनिंग देता हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे लता इज अ गुड गर्ल, तो लता इज अ गुड गर्ल सेंटेंस है। क्लियर? अब सेंटेंस होने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए क्या, वो जानिए, सब्जेक्ट और एक चाहिए प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में क्या होना चाहिए? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ये होना चाहिए, तो इसका क्लास आपको अलग से बेसिक क्लास में दिया हुआ यूट्यूब पे, तो इसको आप देखना। यहाँ पे हमने बेसिक काम करा। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको, और आपने मुझे इतना साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।